आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला या घडीची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी, राम मंदिर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयानं तयारी दर्शवली आहे. राम मंदिरावर 31 मार्चच्या आत सुनावणी होणार आहे आणि दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन तोडगा काढण्याचं आवाहन सुप्रीम कोर्टानं केलं आहे. सुब्रमण्यम स्वामींनी सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. राम मंदिरवर तोडगा काढण्यासाठी तयार असल्याचं सुप्रीम कोर्ट म्हणताय. तुम्ही दोघांनी म्हणजे दोन पक्षांनी एकत्र येऊन तोडगा काढा आणि जर नाही जमलं तर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल असं सुप्रीम कोर्ट म्हटलं आहे. विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई. तो ये सारी चीज़ों को ले करके और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने का जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है. तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए. तो यह हम चाहते हैं कि सर न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाएं और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है. CIJI ने कहा कि मैं भी तैयार हूँ इसके लिए, मध्यस्थ करने के लिए, परंतु आगे फिर मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकूंगा. तो मैंने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो तो वो बात बहुत बेहतर है. वैसे तो ये मामला चूँकि इमामों का और पुजारियों का है, मैं समझता हूँ कि इमामों को और पुजारियों को असल में बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए.